गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखें तय, 8 दिसंबर को काउंटिंग। गुजरात चुनाव में कांग्रेस की रणनीति से बीजेपी भी हैरान। चुनाव प्रचार कर नहीं दिख रहा शोर, जमीन पर नहीं मिल रही सही रिपोर्ट। गुजरात में गहलोत को कमान सौंप कर फंस गई कांग्रेस। गुजरात विधानसभा चुनाव का ऐलान 27 अक्टूबर को होगा। चुनाव दो चरण में हो सकता है, दिसंबर के पहले सप्ताह में ही मतदान का काम पूरा हो जाएगा और 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी, ये पहले से ही तय हो चुका है। चुनाव आयोग हिमाचल प्रदेश की मतगणना के साथ गुजरात विधानसभा चुनाव की भी मतगणना कराएगा। 2024 से पहले इसे सेमीफाइनल माना जा रहा है। वैसे तो लोकसभा चुनाव से पहले करीब दर्जन भर राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन गुजरात पर सबसे ज्यादा नजरें हैं क्योंकि ये पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य भी है। बीजेपी यहाँ 1995 से कोई चुनाव नहीं हारी है, तो कांग्रेस ने 1985 के बाद से कोई चुनाव नहीं जीता है। कांग्रेस के लिए 3.5 दशक से चला आ रहा हार का सिलसिला तोड़ना है तो बीजेपी की नजर सबसे बड़ी जीत की ओर है। अमित शाह ने 150 से ज्यादा सीट जीतने का टारगेट सेट किया है और इस टारगेट को पूरा करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत भी झोंक दी है। चुनाव से पहले पटेल समुदाय के नेता को सीएम बनाकर बीजेपी ने पटेलों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की है, तो दूसरी ओर इस समुदाय के दूसरे बड़े नेताओं को अपने पाले में लाकर मैसेज देने की कोशिश की है कि बीजेपी ही पटेलों के हित सोच सकती है। दूसरी ओर नजरें कांग्रेस पर भी टिकी हुई है। 2017 के विधानसभा चुनाव में सीटों के मामले में कांग्रेस ने बीजेपी को करारी टक्कर दी थी। भले ही वोटों के मामले में बीजेपी को करीब 8% की बढ़त मिली थी, लेकिन सीटों के मामले में यह अंतर मामूली सा ही था। बीजेपी 3 दशक में पहली बार 100 सीटों के नीचे रह गई थी, जबकि कांग्रेस 80 के करीब पहुंच गई। गुजरात विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 92 है। ऐसे में कांग्रेस ने अगर अपना प्रदर्शन थोड़ा भी सुधारा तो बड़ा उलटफेर हो सकता है, लेकिन कांग्रेस की तैयारियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही गुजरात में पार्टी के प्रचार की कमान राजस्थान के नेताओं को सौंप रखी है। कांग्रेस ने डॉक्टर रघु शर्मा को प्रभारी बनाया है तो बीजेपी ने भूपेंद्र यादव को। दोनों ही राजस्थान के रहने वाले हैं। इसके सहारे गुजरात में रहने वाले करीब 10 लाख राजस्थानियों को साधने की कोशिश की जा रही है। भूपेंद्र यादव तो गुजरात में डेरा ही डाले हुए हैं। गुजरात के लगभग सभी विधानसभा सीटों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक कर चुके हैं। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया भी 2 बड़ी रैलियां कर चुके हैं। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा भी लगातार राज्य में रैलियां कर रहे हैं, यानी बीजेपी ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। दूसरी ओर बात कांग्रेस की करें तो पिछले 1.5 महीने से राज्य में कांग्रेस की एक भी बड़ी रैली नहीं हुई है। राहुल गांधी ने तो साफ संकेत दे दिया है कि वो गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाएंगे। सोनिया गांधी तो पहले से ही चुनाव प्रचार से दूरी बनाने लगी हैं और प्रियंका गांधी ने भी अभी तक कोई भी रैली गुजरात में नहीं की है। कांग्रेस ने गुजरात में प्रचार की पूरी कमान राजस्थान के नेताओं को सौंप रखी है, लेकिन इस समय राजस्थान कांग्रेस में ही नेतृत्व को लेकर संकट दिख रहा है। पायलट और गहलोत के बीच लड़ाई चल रही है, किसे जीत मिलेगी और कब तक फैसला होगा इस पर बात चल रही है। इस पर पार्टी के अंदर ही सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि हाईकमान की ओर से अभी तक कुछ भी साफ नहीं किया गया है। गहलोत रहेंगे या जाएंगे इस पर फैसला पेंडिंग चल रहा है। गहलोत ने गुजरात के 2 दौरे जरूर किए हैं, लेकिन पायलट की यहां ड्यूटी भी नहीं लगाई गई है। अभी तक कोई भी बड़ी रैली नहीं हुई है। ऐसे में कांग्रेस की चुनाव तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दर्पण न्यूज़।